गाइस, एसएससी जीडी 2024 का स्कोर कार्ड चेक करने के लिए आप सभी को एसएससी का ओल्ड वेबसाइट पे आना है। ओल्ड मतलब ssc.nic.in आपको गूगल क्रोम में सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहला जो रिज़ल्ट आएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी का पुराना वेबसाइट है। नया वेबसाइट पे आप सभी का रिज़ल्ट आया है और यहाँ पे स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन यहीं से मिलेगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे आ जाने के बाद आप सभी को क्या करना है कि यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड, तो रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ होता है, जैसे कौन सा दिन है, महीना और ईयर, पूरा आपको 6 डिजिट का होगा, पूरा आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप सभी का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। चलिए आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, अभी काफ़ी साइट बिजी है जिसके वजह से यहाँ पे लॉगिन होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपका लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे मार्क्स और स्कोर कार्ड का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को नेक्स्ट स्टेप में आप सभी को क्या करना है कि एसएससी जीडी 2024 वाला सिलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो आपका आंसर की डाउनलोड हो जाएगा जब ये बिजी नहीं होगा तब। तो अभी साइट बहुत बिजी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।